खबर वाराणसी से। हाथरस में हुई घटना को लेकर कांग्रेसियों ने वाराणसी के राम मंदिर पर चारों युवाओं का पोस्टर जारी कर कड़ा विरोध जताया। देर शाम दर्जनों कांग्रेसियों ने मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए पोस्टर जारी करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि व कैंडल मार्च निकाला। इस दरिंदगी से नाराज वाराणसी की जनता विभिन्न चौराहों पर विरोध प्रदर्शन कर पीड़िता को न्याय के लिए विभिन्न संगठन मोदी व योगी सरकार पर सीधे सवाल कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में महिलाएं व बच्चे भी शामिल हुए। सभी के हाथों में पोस्टर पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा स्लोगन देखने को मिला। वाराणसी से हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। हाथरस में जो घटना हुई है, जो इस देश की बेटी के साथ ये घटना हुई है, उन मुजरिमों का पोस्टर जारी किया है हमने, ताकि इन्हें कड़ी से कड़ी जल्द से जल्द सजा मिल सके। ये पोस्टर भाजपा द्वारा जारी किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हम सब कांग्रेस पार्टी के सभी जन मिलकर इनका पोस्टर जारी कर रहे हैं, ताकि इन्हें चिन्हित किया जाए और जल्द से जल्द सजा दी जाए। वैभव जी, किस तरीके का आप लोगों ने पोस्टर जारी किया और कैंडी मार्च निकाला? ये हाथरस में जो जघन्य अपराध हुआ है, जघन्य घटना हुई है, बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कल भी प्रदर्शन हुआ और आज हम उस बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हुए थे। और जो यूपी गवर्नमेंट है वो सिर्फ घोषणाएं कर रही, बातें कर रही है कि हम पोस्टर जारी करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं। तो हम कांग्रेस जनों ने यहाँ एक पोस्टर जारी किया है जो अपराधी हैं उनके, और हाथरस की बेटी को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही ये मांग कर रहे हैं कि जो बलरामपुर में एक और जघन्य घटना होगी, उनको भी न्याय मिले। हम कांग्रेस जन और पूरा समाज के सभी लोग थे, सबके मन में ये दर्द है कि नहीं, किसी की बेटी हमारी बेटी है और हम उस बेटी के लिए संघर्ष करेंगे। हिंदू धर्म में एक रीति रिवाज है कि कोई भी अविवाहित मरता है तो उसको हल्दी लगाया जाता है, लेकिन उस पीड़िता को हल्दी तक भी नहीं लगाने का मौका मिलता है, फिर आप इस पे क्या कहेंगे? हम यही बात कहना चाह रहे हैं कि जो यूपी गवर्नमेंट है इसमें बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है, और अगर संरक्षण न देने की बात होती तो यूपी गवर्नमेंट के इशारा नहीं करती तो पुलिस वाले उसकी जो शव है उस बच्ची का वो उनके परिवार को सौंपते और परिवार अपना रस्म रिवाज से उसका अंतिम संस्कार करता। लेकिन चोरी छिपे रात को 2:30 बजे और ज़बरदस्ती, इवन मैंने तो ये वीडियो देखा कि कुछ पत्रकार, महिला पत्रकार पूछ रही हैं बताइए क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा मैं नहीं बताता, जाओ डीएम से पूछो। पहली बार ऐसा देख रहे हैं हम कि पुलिस और प्रशासन बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं। जैसे ये सरकार गैर जवाबदेह है, वैसे ही पुलिस और प्रशासन भी गैर जवाबदेही कर रहा है। उनकी तो नौकरी है, लेकिन फिर भी इस कदर गुलामी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे पुलिस वाले हमारे तो नहीं थे। हमने जो आज़ाद कराया था देश, उसमें पुलिस प्रशासन डीएम एसपी अधिकारी सब पब्लिक सर्वेंट होते थे और पब्लिक के प्रति जवाबदेह थे। सरकारें भी जवाबदेह रही हैं। आपको याद होगा निर्भया कांड के लिए पूरे देश में उबाल हुआ, हर जगह प्रदर्शन हुए, कभी किसी को नहीं रोका गया, क्योंकि लोगों की वो पीड़ा थी, लोगों का दर्द था उस बच्ची के प्रति, लोगों के मन में करुणा थी और उनके जो संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन का वो करने दिया गया, और उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिली और तुरंत पकड़ा गया। लेकिन आज तक वो अपराधी यहाँ हाथरस की घटना में अभी अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, और हाथरस के जो बेटी के साथ जघन्यता हुई वो तो बराबर हैवान इससे कम करता। रेप करना, जीव काटना, गले की हड्डी तोड़ना, रीढ़ की हड्डी तोड़ना, क्या है ऐसा, तो जानवर नहीं करता, राक्षस नहीं करता। मैं तो एक और सवाल उठाता हूँ, इस सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, इस सरकार के लोग निर्भया के समय जो सत्ताधारी दल है बहुत आक्रोशित थे, मैं तो उनसे पूछता हूँ कि निर्भया का जो बलात्कार हुआ वो बलात्कार था, जघन्यता था, और आज क्या है, क्या वो संस्कारी लोग हैं? क्यों यूपी सरकार सबूत साक्ष्य मिटाना चाहती है? क्यों पुलिस को आगे खड़ा करके प्रदर्शन को रोक रही है? क्यों पुलिस को बोला कि बैरिकेडिंग करके आप उसको जला दो, किसी को रातों रात कानों कान खबर ना हो? ये बहुत गलत चीज है। देश में लोकतंत्र नाम की अब चीज नहीं है, और हम सभी को खड़ा होना होगा, नहीं तो जो आग हाथरस में लगी है वो बनारस में कब पहुंच जाएगी पता नहीं चलेगा। तो हम सबको ये संकल्प लेना होगा कि ऐसे दरिंदों को तत्काल सरकार पकड़े, हम ये मांग करते हैं, और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और साथ ही पुलिस को
सामान्य जनता को रोकने और डंडे बरसाने के लिए नहीं, उस पुलिस को लगाए ऐसे अपराधियों के ऊपर नकेल कसने के लिए। यूपी और पूरे देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था खत्म है। ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं और कुछ चंद, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि मीडिया भी इसको कवरेज नहीं देता। सुशांत सिंह मर्डर केस बहुत बड़ा केस हो जाता है, पुलवामा कुछ नहीं होता है। हाथरस की बेटी उनके लिए मायने नहीं रखती है। कंगना रणौत का जो अवैध था कब्जा, वो तोड़ना बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हाथरस की बेटी की ये जो जघन्य उसके साथ कृत्य किया गया है, वो मुद्दा नहीं।